न्यूट्रिशन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड एंड यूटिलाइजेज इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन इज नीडेड टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर डूइंग एनी एक्टिविटी एंड प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर लाइफ प्रोसेस. सो हमें फॉर अ गुड हेल्थ प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स लेने होते हैं अपनी डाइट में, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स. ठीक है, अगर ये हम प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं लेंगे तो हम एक्टिव नहीं रहेंगे. ठीक है, दैट्स व्हाई न्यूट्रिएंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. मटेरियल्स विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. जो न्यूट्रिशन देते हैं उन्हें हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. ठीक है, ये क्या है? न्यूट्रिशन. मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिशन के डिफरेंट मोड्स होते हैं इन प्लांट्स एंड इन एनिमल. ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे कि ये डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं. पहला होता है जो प्लांट्स में देखा जाता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ऑटो मीन्स सेल्फ. ठीक है, और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है मेनली प्लांट्स में देखा जाता है. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ग्रीन प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करते हैं, अपना फूड बनाते हैं. ठीक है, तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कौन शो करते हैं? ग्रीन प्लांट्स, क्योंकि वो अपना फूड जो है खुद प्रिपेयर करते हैं, इसलिए हम उन्हें ऑटोट्रॉप्स भी बोलते हैं. ठीक है, दूसरा होता है हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. और ये मोड हेट्रो मीन्स अदर, जो अपने जो है फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड रहते हैं तो वो हेट्रोट्रॉप्स कहलाते हैं. और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं, जैसे कि हम लोग. ठीक है, इसके भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.